एक और बड़ी खबर सामने आ रही है दिल्ली से। निर्दलीय विधायक रणजीत सिंह ने बीजेपी को समर्थन दिया है। बड़ी खबर इस वक्त की, समर्थन देने के बाद रणजीत सिंह का बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा कि मैंने सब कुछ देखकर ही बीजेपी को अपना समर्थन दिया है। तो बड़ी खबर दिल्ली से, निर्दलीय विधायक रणजीत सिंह ने भी बीजेपी को समर्थन दिया है। आपको पता है कि स्पष्ट बहुमत किसी को भी नहीं मिला और निर्दलियों के सहारे ही बीजेपी कवायद में जुटी है और इसमें सबसे अहम भूमिका एचएलपी अध्यक्ष गोपाल कांडा निभा रहे हैं। उनके अलावा तमाम निर्दलीय विधायक संपर्क में हैं बीजेपी के और अब इसमें निर्दलीय विधायक रणजीत सिंह ने भी बीजेपी को समर्थन देते हुए कहा कि मैंने सब कुछ देखकर सोच समझकर बीजेपी को अपना समर्थन दिया है। बड़ी खबर इस वक्त की। और क्या कुछ कहा रणजीत सिंह ने, सुनाते हैं आपको। मैंने सब कुछ देख के, प्रदेश का ही देख के, देश का, मैंने बीजेपी का समर्थन करा। मैं इंडिपेंडेंट एमएलए बन के आया हूँ, मैंने बीजेपी का समर्थन करा। माननीय मुख्यमंत्री, मैं उन्हें अपनी रिस्पेक्ट पे करने गया। अब क्या लगता है बीजेपी को आपने समर्थन दे दिया है? मैंने दे दिया जी बीजेपी को समर्थन। कोई शर्त रखी आपने? कोई शर्त नहीं, खुल के दिया है। और आज भी मुख्यमंत्री साहब की मुलाकात हुई, क्या मुलाकात में क्या बातें हुई है? चाय पी उनके साथ बैठ के उनसे। आपकी मुलाकात केंद्रीय नेतृत्व से बात हुई है, शाह की बात? मैं अपनी तरफ से उन्हें बधाई दे के आया कि आप दोबारा मुख्यमंत्री बन रहे हैं। कब तक शपथ ग्रहण कर लेंगे मुख्यमंत्री? ये उनका सब्जेक्ट है, मुझे नहीं। या तो समर्थन देने के बाद बोले हैं रणजीत सिंह कि बिना शर्त बीजेपी को समर्थन दिया है और मैंने सब कुछ देखकर सोच समझकर बीजेपी को समर्थन दिया है। बड़ी खबर इस वक्त की दिल्ली से। बड़ी खबर, निर्दलीय विधायक रणजीत सिंह ने भी अपना समर्थन बीजेपी को दिया। समर्थन देने के बाद बोले रणजीत सिंह।